इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। चुनावों को लेकर ही ये अपडेट इस समय आ रही है। इस समय सुबह 10 बजे तक 10.21% मतदान हो गया है। बंगाल की अगर बात करें तो सुबह 10 बजे तक यहां पर 15.30% वोटिंग हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको हम रूबरू करवा रहे हैं। बंगाल टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। ये कहा गया है टीएमसी की तरफ से कि वोटिंग प्रतिशत में गड़बड़ी की जा रही है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं वोटिंग प्रतिशत, हम लगातार अपडेट आप तक दे रहे हैं। असम की अगर हम बात करें और बंगाल की हम यहाँ बात करें तो प्रथम चरण का चुनाव है, यहाँ पर मतदान आज हो रहे हैं। कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है इसकी अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। बताया जा रहा है कि वोटिंग प्रतिशत में गड़बड़ी करने का आरोप यहां टीएमसी के द्वारा लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर। असम में सुबह 10 बजे तक 10.21% मतदान हो चुका है। बंगाल की बात कर ले तो यहां सुबह 10 बजे तक 15.30% वोटिंग हो चुकी है। इस बीच बंगाल में टीएमसी ने आरोप लगाया है, चुनाव आयोग से शिकायत की गई है टीएमसी की तरफ से, और ये कहा गया है कि वोटिंग प्रतिशत में गड़बड़ी की जा रही है। बड़ा आरोप यहां पर लगाया गया है टीएमसी के द्वारा। पश्चिम बंगाल में चुनाव के साथ साथ हिंसा का दौर भी जारी है। पश्चिमी मिदनापुर के सालबोनी में माकपा उम्मीदवार सुशांत घोष पर हमले के मामले में एक व्यक्ति को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। घोष ने हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया है। अब ये नई जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि वोटिंग प्रतिशत में गड़बड़ी की जा रही है। तो अभी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। तृणमूल कांग्रेस के 10 सांसद आज कुछ गंभीर मुद्दों को लेकर राज्य चुनाव आयोग के पास भी जाएंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग से मीटिंग के बाद सभी सांसद मीडिया से बात भी कर सकते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।